सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी हरियाणा पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हरियाणा के जिलों के बारे में, हरियाणा के जिलों के गठन, उनकी गठन की तारीख के बारे में। आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा, हरियाणा के जिले क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज, एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट्स, यानी क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा के जिलों का एक सीक्वेंस हम आपको बताएंगे, और याद करने के साथ साथ ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे छोटे ज़िले के साथ। हरियाणा में सबसे छोटा ज़िला जो है वो है फरीदाबाद, फरीदाबाद जिसका एरिया है, यहाँ हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल, एरिया है इसका 792 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा ज़िला हमारा हो गया फरीदाबाद। इससे थोड़ा सा बड़ा है हमारा पंचकुला, जिसका क्षेत्रफल है 898 किलोमीटर स्क्वायर। पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि पंचकुला और फरीदाबाद में से छोटा कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंचकुला फरीदाबाद दोनों ही दिखने में इक्वल से हैं, और पढ़ा भी है तो इक्वल इक्वल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फरीदाबाद और पंचकुला में से कौन छोटा है। पंचकुला बड़ा है, फरीदाबाद छोटा है। वहीं साथ में इनकी पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो उल्टा है, फरीदाबाद सबसे छोटा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, मैं आपको बताती हूँ, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग फरीदाबाद की पॉपुलेशन लगभग 18 लाख के आसपास है। प्रेजेंटली ये कुछ 20 लाख के आसपास, 20.5 लाख के आसपास होगी, और पंचकुला की पॉपुलेशन जो है वो 5.5 लाख के आसपास, और प्रेजेंटली ये भी 6.5 लाख के आसपास। एग्जैक्ट फिगर्स हम लोग जब बात करेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आप बस याद रखने के लिए इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं कि फरीदाबाद सबसे छोटा है लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, और पंचकुला सबसे छोटा है और इसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद आता है गुरुग्राम। गुरुग्राम की पॉपुलेशन है आपकी 1253, सॉरी, गुरुग्राम का एरिया, गुरुग्राम का एरिया जो है 1253 किलोमीटर स्क्वायर है। और दूसरा इसके साथ आता है इसी कैटेगरी में, मतलब इतने ही एरिया के आसपास जो है वो है हमारा पानीपत। पानीपत जिसका क्षेत्रफल है 1268 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए, आप लोग जब याद करेंगे तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि 1200 आगे जो ये चीज़ें हैं, एग्जैक्ट फिगर्स आप चाहे ना भी याद करें, बस आप आगे का याद रखिए कि इक्वल इक्वल दो क्षेत्रफल के जो एरिया हैं वो गुरुग्राम और पानीपत हैं। अब इनमें से छोटा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है, वो याद रखने के लिए आप एक सिंपल सी कुछ ट्रिक टाइप से ही कह सकते हैं, जिसे याद कर सकते हैं। जब आप हरियाणा का मैप देखते हैं तो उसमें फरीदाबाद कुछ यहाँ है, तो आप इस फरीदाबाद के आसपास के ही एरिया में घूम सकते हैं कि जो यहाँ पर होगा वो छोटा है एरिया वाइज, और जो इससे ऊपर रहेगा वो बड़ा है एरिया वाइज। कुछ एक जगहों पर ये ट्रिक आपकी काम कर जाएगी, बाकी आप बार बार हर ट्रिक को समझेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी आराम से याद हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम देखें फरीदाबाद और पंचकुला की भी अगर बात की जाए तो फरीदाबाद नीचे है और पंचकुला ऊपर है। इसी तरह से गुरुग्राम फरीदाबाद के बिल्कुल पास में पड़ता है और पानीपत ऊपर की तरफ पड़ता है। तो नीचे वाले फरीदाबाद छोटा सबसे और पंचकुला उससे बड़ा, गुरुग्राम छोटा और पानीपत उससे बड़ा। इस तरह से करके आप इसे याद कर सकते हैं, और साथ ही साथ गुरुग्राम और पानीपत के जो स्टार्टिंग के दो डिजिट्स हैं, दो जो अंक हैं, वो सेम है, 12-12। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो इसके बाद आता है पलवल। पलवल का क्षेत्रफल है 1300
69, इसके बाद चरखी दादरी, चरखी दादरी का भी है 1370। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं 13 13, सिर्फ इतना आप आगे वाला याद कर लीजिए, पीछे वाला आप छोड़ सकते हैं, अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वही जो ट्रिक अभी तक हम करते आ रहे थे कि नीचे वाला पलवल फरीदाबाद के नज़दीक पड़ता है, चरखी दादरी से थोड़ा सा ऊपर है, तो छोटा कौन है? नीचे वाला। पलवल छोटा है और चरखी दादरी बड़ा है, पलवल का कम एरिया है, चरखी दादरी का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ भी हमारी वही वाली ट्रिक काम कर रही है। उसके बाद आता है हमारा कुरुक्षेत्र, जिसका एरिया है 1530 किलोमीटर स्क्वायर। कुरुक्षेत्र के बाद है अंबाला, अंबाला का एरिया 1574 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है रेवाड़ी, रेवाड़ी का है 1582 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ भी आप देख रहे हैं 15 15 15, सेम सेम है। इसे आप याद रख लीजिए कि ये तीन जो ज़िले हैं जिनका क्षेत्रफल 1500 1500 1500 कुछ है, आप इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र का कू ले लीजिए, अंबाला का अ ले लीजिए, रेवाड़ी का रे ले लीजिए, इस अ को आप बना दीजिए आ, कुंवारे। कुंवारे शब्द जो आप बोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? कू, उसके बाद आता है आ, उसके बाद आता है रे, कुंवारे। तो कुंवारे में कू सबसे छोटा है, आ उससे बड़ा है, रे उससे बड़ा है, कुंवारे शब्द याद कर लीजिए। कुंवारे क्या है? 15 15 15, कितने कुंवारे हैं? 15। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है रोहतक और यमुनानगर। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं रोहतक। रोहतक का आपका क्षेत्रफल है 1745 किलोमीटर स्क्वायर, और यमुनानगर का आपका है वही 1768 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ भी आप देख रहे हैं 17 17 दोनों में कॉमन है। और दूसरी जो ट्रिक अभी तक हम यहाँ से करते आए थे, फरीदाबाद गुरुग्राम पानीपत पलवल, ये रोहतक पड़ता है नीचे वाले एरिया में और यमुनानगर पड़ता है ऊपर वाले एरिया में, तो नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा, यही वाली ट्रिक आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। रोहतक 1745 किलोमीटर और यमुनानगर 1768 किलोमीटर। उसके बाद आपका आता है झज्जर, झज्जर आपका है 1834 किलोमीटर स्क्वायर। झज्जर के बाद आता है आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ आपका है 1869 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है आपका नूह, नूह है आपका 1874 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फिर से 18 18 18, तीनों में कॉमन है, और इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि झज्जर जो है एरिया में छोटा है और नूह जो है एरिया में बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर साक्षरता दर की बात की जाए, साक्षरता दर झज्जर भले ही छोटा है लेकिन यहाँ पर पुरुष साक्षर जाए तो नूह में चाहे पुरुष साक्षरता कह लीजिए आप, या कुल मिलाकर जो साक्षरता है पुरुष और महिलाओं सबकी मिलाकर है, तो पुरुष साक्षरता या ओवरऑल साक्षरता है 1000 वो सबसे कम है। तो झज्जर इन तीनों में, इन तीनों की हम बात करें तो झज्जर इनमें छोटा, साक्षरता है ज्यादा, नूह है बड़ा, साक्षरता है कम, बीच में रहा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में महेंद्रगढ़ क्या है, साक्षरता या पढ़ाई में क्या है, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मिलता है। क्यों? यहाँ पर जो बीसी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो बीसी पॉपुलेशन के चलते यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन ज़्यादा है, तो महेंद्रगढ़ बीच में रिजर्वेशन ले रहा है,
साक्षरता की बात की जाए, साक्षरता से ही हमने महेंद्रगढ़ को जोड़ दिया कि महेंद्रगढ़ बीच में साक्षरता के लिए रिजर्वेशन ले रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पर BC पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोकर करो फतेह, सोकर करो फतेह, सोकर भी फतेह की जा सकती है, सोकर भी फतेह की जा सकती है, बताइए कैसे की जा सकती है? हमारी ट्रिक के हिसाब से की जा सकती है। कैसे करेंगे हम सोकर फतेह? बिल्कुल, देखिए आगे हम अपनी जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं वो है सोनीपत, उसके बाद कर से है, क से कैथल, या के कह लो, सो के करो फतेह, सो के करो फतेह, सो से सोनीपत, कैसे कैथल, और करो से करनाल, और फतेह से फतेहाबाद। सीधा सीधा जैसे लिखा है वैसे याद कीजिए, उसी सीक्वेंस में इनका एरिया है। सो के करो फतेह, तो सो सबसे पहले आए तो सोनीपत में सबसे कम एरिया है, इन इन चारों की बात कर रहे हैं हम। सोनीपत का एरिया है 2122 किलोमीटर स्क्वायर, और कैथल का एरिया है 2317 किलोमीटर स्क्वायर, और करनाल का एरिया है हमारा 2520 किलोमीटर स्क्वायर, और फतेहाबाद का है हमारा 2538 किलोमीटर स्क्वायर, 2538 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने चार डिस्ट्रिक्ट और कर लिए हमारे, सोनीपत, कैथल, करनाल और फतेहाबाद, सो के करो फतेह। इसके बाद हमारे जो आते हैं बचे हुए चार ज़िले, उन चार ज़िलों के बारे में सिंपली आप कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो याद रख के उन्हीं ज़िलों के बारे में आप याद कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जिस समय 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, तो सबसे छोटा ज़िला था हमारा जींद, ठीक है, और सबसे बड़ा ज़िला था हमारा हिसार, और उस समय इनके एरिया और उस समय की इनकी इस उस समय का एरिया जो उनका था वो, और वर्तमान में इनका जो एरिया है वो हमने बात की थी। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जींद का जो है उस समय एरिया था, जींद का एरिया था 2712 किलोमीटर स्क्वायर, और वर्तमान में कितना है, 2702 किलोमीटर। तो आप जींद का तो वैसे भी याद रख सकते हैं कि जितना पहले था उससे थोड़ा ही बदला है। तो जींद का गठन के समय जो सबसे छोटा एरिया था 2712 किलोमीटर स्क्वायर था, और वर्तमान में इसका 2702 किलोमीटर स्क्वायर है। इसी तरह से आप हिसार का भी याद रख सकते हैं, हिसार का हमारा जिस समय गठन हुआ था उस समय हिसार सबसे बड़ा ज़िला था, उस समय इसका क्षेत्रफल कितना था, 13,891 किलोमीटर स्क्वायर, और अब हिसार का जिला है सॉरी क्षेत्रफल है 3,983 किलोमीटर स्क्वायर। अभी ये हरियाणा का सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट। और इसके बाद बची भिवानी, भिवानी भिवानी का जो एरिया है, चरखी दादरी बनने के पहले भिवानी जो है हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, उस समय इसका क्षेत्रफल था 4,802 किलोमीटर स्क्वायर, और चरखी दादरी कटने के बाद, चरखी दादरी जैसा कि हमने पढ़ा है यहाँ पर 1,370 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए या वैसे भी याद रख लीजिए कि फ़िलहाल जो इसका एरिया है भिवानी का 3,432 किलोमीटर स्क्वायर। और लास्ट हमारा सबसे बड़ा ज़िला जो है हरियाणा का वो है सिरसा, सिरसा का अभी भिवानी का जितना पहले था उससे अभी भी कम है सिरसा का, 4,277 किलोमीटर स्क्वायर। ये है हमारा सबसे बड़ा ज़िला हरियाणा का। तो इसमें हमने पढ़ लिया है हरियाणा के सभी ज़िलों के बारे में कि किस ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, और गठन के समय कौन सबसे छोटा था, कौन सबसे बड़ा था। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं और
जैसा मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फरीदाबाद और पंचकुला में से कौन सा छोटा है, कभी आपको डायरेक्ट एरिया भी दे दिया जाएगा कि ये किसका एरिया है, या ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, गठन के समय कौन सा सबसे छोटा था, कौन सा सबसे बड़ा था, उसका क्षेत्रफल कितना था। सबसे छोटा सबसे बड़ा चाहे वर्तमान में हो, चाहे क्षेत्र, चाहे गठन के समय हो, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन बाकी जितने भी आप देख रहे हैं उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस बिल्कुल एग्जैक्ट उनका एरिया पूछने के चांसेस बहुत कम बनते हैं, लेकिन उनमें दूसरी तरह के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको ये तीन दे दिए जाएं, ये कुरुक्षेत्र, अम्बाला, रेवाड़ी, इनको अरेंज करना है आपको, सबसे छोटे से सबसे बड़े में या सबसे बड़े से सबसे छोटे में अरेंज करना है। तो आपको याद करने के लिए जैसे कि मैंने ट्रिक्स बताई कि आप ये याद कर लीजिए कि 15 15 15, हमें याद है कि कुरुक्षेत्र, अम्बाला, रेवाड़ी में 15 15 15 कॉमन था, यानी कि 1500 कुछ है। अब 1500 कुछ में 30 74 82 याद करो, फिर इनकी बात करो 59 70 आप याद कर रहे हो, यहाँ पर 34 59 74 आप याद कर रहे हो, तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो बेटर आप अपने ट्रिक्स के साथ इनके जो नाम या जो मैंने बताया कि उनकी लोकेशन के हिसाब से नीचे है या ऊपर है, या कुंवारे वाली ट्रिक है, इसके अलावा सो के करो फतेह, ये जो ट्रिक्स हैं इनके हिसाब से आप इनका सीक्वेंस याद कर लीजिए। ये कुंवारे में कु सबसे पहले आता है तो कु सबसे छोटा है, फिर उसके बाद आ आता है उससे बड़ा है, रे आता है तो उससे बड़ा है। इस तरह से सिक्वेंसिंग के हिसाब से आप अगर याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। बहुत कम डेटा आपको, मतलब आंकड़े बहुत कम याद करने पड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये ट्रिक भी देख सकते हैं, जैसा हमने बताया था झज्जर, महेंद्रगढ़ और नूह के लिए, कि झज्जर सबसे छोटा है तीनों में से, तीनों में सबसे छोटा है झज्जर, लेकिन यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है, यानी छोटे एरिया की साक्षरता ज़्यादा और बड़े एरिया की साक्षरता कम, और बीच वाले एरिया को क्या है, रिजर्वेशन मिलना है तो उसको बीच में डाल दिया हमने। और रोहतक यमुनानगर में भी हमने देखा था कि रोहतक नीचे है, यमुनानगर ऊपर है, तो उसके हिसाब से इसका एरिया भी हमने देखा कि नीचे वाले का एरिया कम है, ऊपर वाले का एरिया ज़्यादा है। साथ ही साथ भिवानी सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो चरखी दादरी बनने के पहले सबसे बड़ा हुआ करता था और अब थर्ड लार्जेस्ट बन गया है। हिसार और जींद का मैंने आपको बताया कि उस समय सबसे छोटे और सबसे बड़े थे, और वर्तमान में इनका जो एरिया है वो आपको बताया है। तो इसी के साथ हमारा हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार फिर से सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से राम राम।